माधवपुर के राजा सूरज सिंह बहुत ही शक्तिशाली और प्रतापी थे, लेकिन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। एक बार माधवपुर में एक महात्मा जी आए। उनको सभी लोग सच्चा बाबा के नाम से जानते थे। सच्चा बाबा के बारे में प्रसिद्ध था कि वे बहुत ही पहुंचे हुए भविष्य वक्ता हैं और किसी के भी भविष्य के बारे में सही सही बता सकते हैं। सभी नगर निवासी उनसे मिलने के लिए उनके पास पहुंचे। लोगों ने अपने व अपने परिवार वालों के भविष्य के बारे में तरह तरह की बातें महात्मा जी से पूछी। वे वहाँ काफी दिन रहे। जब उनके जाने का समय आया तब उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की। राजा को जैसे ही इस बात का पता चला, उन्होंने बड़े सम्मान पूर्वक उनका राज दरबार में स्वागत किया। चलते समय राजा ने महात्मा जी को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहीं, परंतु सच्चा बाबा ने ये कहकर मना कर दिया कि वे सिर्फ अपने भाग्य का खाते हैं, राजा की दी हुई दौलत से अमीर नहीं बन सकते। राजा ने पूछा, इस बात से आपका क्या तात्पर्य है महात्मा जी? बाबा बोले, कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से गरीब या अमीर होता है। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो नहीं बन सकता। राजा की दौलत भी उनके हाथों से निकल जाएगी। ये सुनकर राजा सूरज सिंह को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, महात्मा जी आप किसी का हाथ देखकर ये बताइए कि उसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या नहीं, मगर मैं अपनी भविष्यवाणी झूठी सिद्ध कर दूंगा। बाबा ने कहा, आप किसी व्यक्ति को बुलाइए, मैं बताता हूँ उसका भविष्य। सच्चा बाबा ने शांति पूर्वक उत्तर दिया। राजा ने अपने सिपाही से कुछ कहा और कुछ ही देर में एक नौजवान जिसका नाम हीरा था, महात्मा जी के सामने हाजिर कर दिया। महात्मा जी ने ध्यान से उस व्यक्ति का माथा देखा, फिर हाथ देखकर कहा कि ये नौजवान जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। इसे जानवरों से बहुत लगाव है, इनको उन्हीं के बीच में रहने की आदत है और वहीं रहेगा। राजा सूरज सिंह सुनकर अचकचा गए। बोले, आप ठीक कहते हैं, ये नौजवान जो शाही वस्त्र पहनकर आया है, ये हमारे घोड़ों की देखभाल करने वाला सईस है। ये कहकर उन्होंने हीरा को बाहर जाने का इशारा किया और बोले, महात्मा जी एक वर्ष के भीतर ही मैं इसे अमीर बना दूंगा, ये जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता, राजा ने बड़े घमंड से कहा। महात्मा जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए राजा से जाने की आज्ञा ली और चले गए। राजा ने अगले दिन हीरा को बुलाकर एक पत्र दिया और साथ में बाहर जाने की तैयारी और राह खर्च के लिए कुछ पैसे भी दिए और उससे कहा कि यहाँ से 150 किलोमीटर दूर राजापुर नगर चले जाओ, वहाँ के राजा वीर सिंह मेरे मित्र हैं, वहाँ जाओ और ये पत्र उन्हें दे देना। यह सुनकर हीरा का चेहरा लटक गया। वह पत्र लेकर अपने घर आ गया और सोचने लगा, यहाँ तो घोड़ों की थोड़ी देखभाल करके दिन भर आराम करता हूँ, अब इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा। परंतु राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले दिन राजा का पत्र लेकर निकल पड़ा। एक दो गांव पार करते करते वह थक गया। उसे भूख और प्यास भी जोर की लगी थी। हीरा एक दुकान से सब्जी रोटी लेकर पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगा। अभी आधी रोटी ही खा पाया था कि उसका एक मित्र अमरेंद्र आ गया। अमरेंद्र ने कहा, इधर कैसे आना हुआ? तब हीरा ने अमरेंद्र को अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। अमरेंद्र बोला, इसमें परेशानी की बात क्या है? वहाँ जाओगे तो खूब आदर सत्कार होगा, हो सकता है राजा ने किसी खास मकसद से तुम्हें वहाँ भेजा हो। हीरा अनमना होकर बोला, मैं तो जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ भैया। अमरेंद्र बोला, तुम्हारी जगह मैं होता तो खुशी खुशी जाता। हीरा बोला, ठीक है, तुम ही ये पत्र लेकर चले जाओ। अमरेंद्र वह पत्र खुशी खुशी ले गया और दो दिन बाद वह राजापुर के राजा वीर सिंह के नगर आसानी से पहुंच गया। राजा के पास सूचना भिजवाई कि माधवपुर के राजा का दूत आया है। उसे तुरंत अंदर बुलाया गया। अमरेंद्र की खूब आवभगत हुई। दरबार में मंत्रियों के साथ उसे बिठाया गया। उसने राजा सूरज सिंह का पत्र वीर सिंह को दिया। राजा ने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, ये बहुत योग्य और मेहनती व्यक्ति है, इसे अपने राज्य में इसकी इच्छा अनुसार कुछ एकड़ जमीन दे दें। ये मेरे पुत्र समान है, मेरे पास बहुत दिनों से है, कुछ दिन वहाँ रहकर इसको थोड़ा अनुभव भी हो जाएगा।
आप इसे अपने राज्य में कोई अच्छी जगह दे सके तो दे दीजिए, ये आपको निराश नहीं करेगा, इसका भी जीवन सवर जाएगा। राजा को वे सचमुच योग्य व्यक्ति लगा। राजा वीर सिंह ने उसको कुछ जमीन देकर और अपने राज्य में रहने की जगह भी दे दी। उधर आलसी हीरा थका हारा अपने घर पहुंचा और जाकर सो गया। दो दिन सोता रहा, फिर सुबह उठकर घोड़ों की देखभाल करने के लिए चला गया। सुबह जब राजा अपने नगर में घूमने निकले तो उन्होंने देखा कि हीरा घोड़ों की मालिश कर रहा है। जब राजा ने उससे पत्र के बारे में पूछा तब हीरा ने डरते डरते सारी बात राजा को बता दी। राजा को बहुत क्रोध आया और साथ ही सच्चा बाबा की भविष्यवाणी भी याद आई। परंतु राजा ने सोचा कि कहीं भूल चूक भी हो सकती है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे। अमरेंद्र एक मेहनती नौजवान था। राजा वीर सिंह ने उसकी योग्यता और मेहनत की वजह से उसे अपने दरबार में एक खास जगह दे दी। कभी कभी वह सोचता है इसको कहते हैं भाग्य, मेरे भाग्य में राजसुख लिखा था। एक दिन जब सूरज सिंह अपने नगर की सैर करने निकले तब उन्होंने देखा कि हीरा घोड़ों के अस्तबल के बाहर मुंह लटकाए बैठा है। राजा ने पूछा, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? तब वह बोला, हुजूर एक घोड़ा सुबह से ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है। तब राजा घोड़े के पास गए। राजा भी उसको देखकर दुखी हो गए। उन्होंने राज वैद्य से घोड़े के लिए दवा मंगवाकर हीरा को दी। हीरा ने घोड़े की बहुत अच्छी देखभाल की। तीसरे दिन घोड़ा सब कुछ खाने पीने लगा। राजा ने हीरा को बुलवाया, घोड़े का हाल चाल पूछा। हीरा की आंखों में चमक आ गई। उसने बताया कि घोड़ा अब बिल्कुल स्वस्थ है। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि चलो इसको कुछ इनाम देते हैं, शायद इसी बहाने इसकी तकदीर का लिखा बदल जाए और ये अमीर बन जाए। राजा ने उसे एक छोटा सा लकड़ी का संदूक दिया जिसमें बहुत सारी सोने की मोहरें थीं। लेकिन वह संदूक दिखने में बहुत मैला कुचैला था। हीरा वहां से संदूक लेकर निकल गया और अस्तबल के बाहर जाकर बैठ गया और सोचने लगा, इस मैली कुचैली संदूक का मैं क्या करूंगा, और उसको वहीं छोड़कर अपने घर चला गया। उसने एक बार भी ये देखने की कोशिश नहीं की कि आखिर इस संदूक में है क्या। एक हफ्ते बाद जब वह अस्तबल में जा रहा था तब उसने देखा कि वह मैला कुचैला संदूक बाहर ही खाली पड़ा हुआ है। तब उसको शंका हुई, शायद इसमें कुछ ऐसा था जो कोई ले गया और संदूक को यहीं छोड़ गया। वह दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया। उसने राजा से कहा, हुजूर मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि उस मैले कुचैले संदूक में क्या था। राजा ने कहा पूछा, क्यों, क्या तुमने उसे खोला नहीं? तब हीरा ने राजा को पूरी बात बताई। राजा ने कहा, ओ मैंने लाख कोशिश कर ली लेकिन सच्चा बाबा की भविष्यवाणी नहीं बदल सका। मैंने दो बार कोशिश की कि तुम्हारे हाथ की लकीरें बदल दूं, तुम्हें अमीर बना दूं, लेकिन तुम्हारे भाग्य में गरीबी ही लिखी है। तुम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्मशील होता है। तुम्हारे जैसे लोग मिले हुए सौभाग्य को भी अपनी अखंड मान्यता से गवा देते हैं। राजा ने उस दिन के बाद भविष्य को बदलने का दावा नहीं किया।